जी नाजरीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी एंगर मैनेजमेंट की, और रिकॉर्ड कॉल्स आ रही हैं हमें कि कितने लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं अबाउट एंगर। और आप भी अपनी कॉल करें और अपना जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर साहब से। इसके अलावा कोई मेंटल इलनेस का भी कोई प्रॉब्लम है, कोई उलझाओ, नफसियाती टेंशन वगैरह, तो इस बारे में यू कैन आस्क डॉक्टर साहब ऑफकोर्स इन अ शॉर्ट आंसर। और ये है कि अभी जब जाने से पहले एक साहब ने पूछा था कि उनको, साहिबा ने बल्कि, कि उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो डॉक्टर साहब कुछ टेक्निक्स बताने लगे थे हमें अबाउट एंगर मैनेजमेंट। जी, एंगर मैनेजमेंट में सबसे पहले तो बात यह है कि गुस्सा जो है ना, वो यूजली ये होता है कि लोग जो इशू है उसको समझ नहीं पाते, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन का इजहार होता है गुस्से के थ्रू। दूसरा ये है कि वो एक्सपेक्टेशन पहले से सेट कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट ये हो, तो जो रिजल्ट उसका, जब नतज उसकी ख्वाहिश के बरक्स आते हैं तो दे गेट एंग्री और फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर उसमें एंगर से वो उसको रिएक्ट करते हैं। तो जहाँ तक इसको मैनेज करने का ताल्लुक है, तो वो देखना ये पड़ेगा कि आया इन दोनों में से कोई रीज़न है, या कि क्या आप वैसे ही आप सैड रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, या आपको बड़ी एंग्जाइटी, बेचैनी रहती है, या कोई और काज चल रहा है, घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, या फाइनेंशियल इशू, या कोई सोशल इशू है। ऐसे उसकी एग्जांपल इस तरह ली जा सकती है कि फॉर एग्जांपल दो बंदे काम कर रहे हैं एक ही ऑफिस में, तो एक बंदे को उसका बॉस कहेगा कि भाई आपको तो छुट्टी करा दी जाएगी कल से, तो वो बंदा क्वालिफाइड है, तो उसको पता है कि मैं यहाँ से छोड़ के कहीं और जॉब ले लूंगा, तो उसको तो गुस्सा नहीं आता, वो तो कहेगा ठीक है, थैंक यू वेरी मच, कॉन्फिडेंस लेवल उनका जो है। जो दूसरा बंदा है उसके बरक्स, अगर उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं या कोई और ऑप्शन नहीं, तो वो उसको रिएक्ट करेगा गुस्से के साथ, डिफरेंट वे। जी, दैट्स राइट, रिएक्शन ना अपनी। जी बिल्कुल, वो अपनी जो डिफिशिएंसी है या में से जो बंदे में कमी है, उसको भी गुस्से के तौर पे, इजहार के तौर पे, अपना डिफेंस के तौर पे यूज करते हैं। हमारे पास एक और कॉलर है। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बात कर रही है? जी मैं मिसेस सज्जाद बात कर रही हूँ लाहौर से। जी जी जी, आपका क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, मैं, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक साल पहले थायराइड हो गया था, हाइपर थायराइड। 2001 में एलर्जी बहुत ज्यादा हो गई थी, तो मेरी वैक्सीनेशन भी हुई और उसके बाद थायराइड हो गया मुझे, उसके बाद मुझे हार्ट की भी तकलीफ हो गई। थायराइड आपका स्लो हो गया कि हाई हो गया? थायराइड होना कोई चीज नहीं होती, या तो हाइपर थायराइड होता है या हाइपो थायराइड। हाइपर, हाइपो, हाइपो, यानी कि कम। ओके, हाइपो थायराइडिज्म हो गया, ठीक है। बच्चा भी मेरे पास एक ही है बस ना, ठीक है। तो मुझे मतलब ये कि गुस्सा भी बहुत आता है, और मेरी मेंसेस की भी प्रॉब्लम है कि जब से मुझे थायराइड की दवाइयाँ शुरू की हैं, नेचुरली, और साथ साथ मेरी हार्ट की भी दवाइयाँ चल रही हैं। ब्लड प्रेशर का भी इशू है। मतलब 2 महीने पहले डॉक्टर ने मेरा टेस्ट करवाया था, तो शुगर का भी थोड़ा सा हुआ, तो मैं ग्लूकोबे खा रही हूँ उसके लिए ना। सही सही। तो डॉक्टर साहब से ये मशवरा लेना चाहती हूँ कि मेरी मेंसेस जो इनरेगुलर है वो कैसे सेट होंगे? बेबी भी मेरे पास एक है और गुस्सा जो है ना मुझे बहुत ज्यादा आता है। जो आपका जो गुस्से का इशू है उसको हम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब तो साइकाइट्रिस्ट हैं, ही इज़ नॉट अ गायनोकोलॉजिस्ट, बट डेफिनेटली ही एड्रेस के आपके गुस्से का क्या रूट कॉज है, ताकि जड़ से उसको, ऑब्वियसली इसमें फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रही है क्योंकि आपके पास बच्चा भी एक है और मसले हेल्थ इशूज़ भी हैं, तो डॉक्टर साहब आपको ये बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू। उसमें ये है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका डिस्टर्बड है, ये डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, एक तो गायनेकोलॉजिकल काज हो सकती है, लेकिन आपके केस में मोस्ट लाइकली ये लग रहा है कि ये स्ट्रेस से और डिप्रेशन से भी, जो एंजाइटी हाई हो तो मेंसेस जो है ना इरेगुलर हो जाते हैं, और जब आप आपका थायराइड हाइपो है जो कम प्रोड्यूस कर रहा है, तो उससे भी डिप्रेशन जो है ना वो अंडरलाइंग होता है। हो सकता है आप ज़्यादा सैडनेस फील करती हो, आपने कभी नोटिस नहीं किया, तो उससे ये है कि ये डिप्रेशन और जो हाइपोथायरॉयडिज्म है और साथ आपके हार्ट का प्रॉब्लम है, इससे कलेक्टिवली बेसिकली आपके फिजिकल जो साइन है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है, जैसे आप कह रही हैं कि आपके पीरियड इरेगुलर है, तो उससे रिएक्शन के तौर पे आप जब डिप्रेशन होगा, या तो आप बिल्कुल म्यूट हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, या दूसरा रिएक्शन होता है
कि आप गुस्से से रिएक्ट करते हैं हर चीज़ को, और वैसे भी जब थायराइड डिस्टर्ब होगा हार्मोन बॉडी में तो और हार्ट कंडीशन आपने बताई साथ है, तो उससे एंग्जाइटी बढ़ती है और रिएक्ट करता है बंदा, इनटॉलरेंस हो जाती है टूवर्ड्स अदर्स एंड एंग्रीली रिएक्ट करता है। तो आपको जो रिएक्शन है उस पर आपको ये करना होगा कि पहले तो उसकी मेडिकल कंडीशन जो है उनको ट्रीट होना चाहिए। जब आपका थायराइड है वो आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी, जब थायराइड कंट्रोल होगा तो आपकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन आपको साथ लेनी पड़ेगी। तो उससे सबसे बेस्ट ये है कि आपके लिए कि आप फुल कंसल्टेशन करें साइकाइट्रिस्ट के साथ, ताकि आप उससे एक तो ये है कि मेडिकेशन एडजस्टमेंट करवाएं और साथ फिर थोड़ी सी टेक्निक्स जो सेकंड स्टेप होगा मैनेज करने की बात की है, क्योंकि यूजुअली ना हम लोग इस चीज़ को समझते हैं टू गो टू साइकाइट्रिस्ट इज अ डायलेमा इन आर सोसाइटी नंबर वन। दूसरी बात ये होती है कि हम जैसे डायबिटीज के इशू हो गए बाकी उसके लिए तो हम मॉलेज के पास चले जाते हैं, लेकिन जो बेस लाइन प्रॉब्लम चल रही होती है एंग्जाइटी या डिप्रेशन उसको हम ट्रीट नहीं करते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जैसे लोग होता है कि हार्ट का ले लें एग्जाम्पल कि हार्ट अटैक हो गया तो लोग समझते हैं कि ये डॉक्टर से इमरजेंसी है। एंगर भी एक किस्म का ब्रेन अटैक है अगर रिपीटेडली होता है, अगर वंस इन अ वाइल होता है वो तो नॉर्मल एक इमोशन हो गया ना, लेकिन अगर किसी को रिपीटेडली टेंपर्स होते हैं आपने वो साथ है। अभी ये बताया तो, कि एक तो रूट कॉज को एंटरटेन किया जाए कि एक्सपेक्टेशन अपनी ऐसी रखी जाए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इसके अलावा और इसके अलावा फिर टेक्निक्स में आ जाता है कि अगर आप ऑलरेडी गुस्से में हैं तो डीप ब्रीथिंग टेक्निक्स होती हैं, आप लंबे सांस लें, अपने आप को सिचुएशन से परे कर लें, जो जहाँ पे ये इशू कोई चल रहा है वहाँ से आइसोलेट होकर। आपने बात बिल्कुल सही की कि आइसोलेशन इज वन ऑफ द मेन थिंग्स। इस्लाम में भी कहा गया है कि उस जगह से अलहदा हो जाओ और पानी पियो। फिलहाल एक ब्रेक भी लेते हैं और हम भी पानी पीते हैं। जी नाजरीन, ब्रेक पे जाएं।